lost his watch, money, dog, and everything. Now read the sentence. He lost his watch, money, dog and everything. अब अगर सेंटेंस को आपने पढ़ा होगा और सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा द समथिंग विच हैज़ द लोएस्ट इंपॉर्टेंस और लोएस्ट वैल्यू हैज़ पुट एट द फर्स्ट प्लेस और समथिंग विच हैज़ द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस और हाइएस्ट वैल्यू हैज़ पुट एट द लास्ट प्लेस. उसकी घड़ी खो गई. घड़ी की इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा नहीं है. पैसा उससे भी ज़्यादा कीमती है. ठीक है, उसका डॉग शायद उसके लिए उससे भी ज़्यादा कीमती रहा होगा. एंड देन अल्टीमेटली ही लॉस्ट एवरीथिंग. सो थिंग्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इन एन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट. लोएस्ट क्या है? वॉच तो सस्ती भी आती है, थोड़ी सी महंगी भी आती है, सस्ती भी आती है. और एवरीथिंग में सब कुछ उसका खत्म हो गया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. जो लोग इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही आपका कोई सजेशन या कोई कमेंट है, इंग्लिश के कोई ट्रेनर या टीचर हैं जो इन विषयों पर वीडियोस बनाते हैं, अगर आपकी कोई एक्सपर्ट राय है इन वीडियोस की क्वालिटी को सुधारने में कंटेंट वाइज, या कुछ और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आपके सजेशन का बिल्कुल निश्चित रूप से स्वागत रहेगा. और लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार.